झारखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी, जिस वजह से राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। इसके प्रभाव से लगभग पूरे राज्य में अगले कुछ दिन तक बादल छाए रहेंगे। वहीं लगभग पूरे राज्य में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में मॉनसून तय समय से दो दिन पहले ही पहुंच गया, जो मौसम में सामान्य घटना है। अगले कुछ दिनों तक रांची समेत झारखंड के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए हुए रहेंगे। हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होगी, गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई और तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आज 13 जून जो स्थिति है मौसम का, जो हमने जो पहले बताया था, जो एक कम दबाव का क्षेत्र जो बे बंगाल में बना हुआ था, उड़ीसा कोस्ट में था, वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ मूव हुआ है और आज का जो स्थिति है वो उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा और हमारा साउथ झारखंड का क्षेत्र में बना हुआ है एज ए साइक्लिक सर्कुलेशन। और इसी कारण से मॉनसून का फर्दर प्रगति हुआ है, जो कल तक जो था वेस्ट बंगाल में मोस्ट पार्ट में कवर हो गया था और उड़ीसा में भी कवर हो गया था, और पिछले 24 आवर्स में और भी उसका प्रोग्रेस हुआ है। जो आज 13 जून झारखंड में कई सारे जिले में मॉनसून का प्रवेश हो चुका है। जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और कुछ पार्ट जो गिरिडीह का भी है, और सेंट्रल पार्ट में रामगढ़, हमारा जो है रांची, खूंटी, और साउथ का जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और कुछ पार्ट जो है सिमडेगा का भी मॉनसून ऑनसेट हो चुका है। और पिछले 24 आवर्स में इसी जिला में मध्यम दर्जे का बारिश रिकॉर्ड किया गया। और जो रांची में जो रेनफॉल हुआ है 17 मिलीमीटर, खूंटी में 26 मिलीमीटर, जमशेदपुर में भी 17.8 मिलीमीटर, और हमारा जो बोकारो धनबाद में भी अच्छा रेन हुआ है, धनबाद में 53.4 रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। तो जो नॉर्मल जो ऑनसेट डेट है मानसून का वो है जमशेदपुर में 14 और रांची में 15। तो इस बार जो 2020 का मानसून झारखंड में एक दो दिन पहले प्रवेश किया है और जो कंडीशन जो अभी भी बना हुआ है और भी फेवरेबल है, तो अगले 24 आवर्स में भी और भी फर्दर प्रगति होने का संभावना है। और इसी कारण से जो अगले 5 दिन का जो वेदर रहेगा वो भी झारखंड में लगभग सारे जिला में हल्का से मध्यम दर्जे का बारिश रहेगा, क्लाउडी रहेगा। और कुल मिलाकर जो स्थिति है, एक दो दिन पहले मानसून झारखंड में प्रवेश हुआ है और अगले 24 आवर्स में और भी जो पार्ट है उसमें भी प्रवेश होने का संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और गुमला, हजारीबाग और गिरिडीह के कुछ हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटे में मॉनसून पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।